बेटे, सच्चाई सामने आएगी। बस ये छोटा सा इम्तिहान सा वक्त है, बुरे वक्त आते हैं। छूट ज्यादा दिन टिक नहीं सकती, आपको हौसला रखना होगा। ए, बहुत गले मिल रही है, अब बाहर निकलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। लोगों की रक्षा करना यही मतलब होता है ना इस वर्दी का? अगर आप सच का साथ नहीं दे सकती तो इस वर्दी का सम्मान भी नहीं कर सकते हम। आप सम्मान करें इसलिए नहीं पहने ये वर्दी मैडम। और जहां तक सच की रक्षा का सवाल है तो वही मैं कर रही हूँ। तो हम भी आपसे एक बात कह देते हैं, अगर दूसरी बार हमारी बेटी को इतनी सी भी खरोच आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो सारी चीजें आप कर रही हैं, ये सब हम बचपन में बहुत खेल चुके हैं। ए मैडम, पुलिस ऑफिसर को धमकी देने का मतलब जानती हैं आप? आपको भी अंदर रहना है इस छोकरी के साथ। एक मिनट, आप जैसे कुछ लोग वर्दी होने का झूठा गुरूर की वजह से हम शरीफों को धमकी देने की जो गलती करते हैं, तो दीजिए मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम डर जाएंगे तो यह गलत फहमी दिल से निकाल दीजिए, हम नहीं डरने वाले। मीठी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकने की जरूरत है, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं, सत्य सामने आता ही है। मिस्टर खन्ना, जो जैसा नजर आता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। मीठी चटर्जी शक्ल से भोली लगती है, तो क्या भोली सूरत वाले कातिल नहीं हो? अरे उसकी माँ भी एक खूनी ही थी। मिस्टर खन्ना, आई विल कॉल यू बैक इन सम टाइम। मुक्ता की फोटो कहां चली गई? सर, आपसे दो मिनट बात करनी थी। विष्णु, अभी मैं बिजी हूं, नॉट पॉसिबल। कुछ ढूंढ रहे हैं सर, आपकी हेल्प करो। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। विष्णु, तुम्हें कोई जरूरी काम है क्या? कुछ नहीं सर, वो साइट पर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं उन्हें रिपेयर करवाना है। आपकी परमिशन चाहिए थी। व्हाट? इतनी सी बात के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत? मिस्टर शर्मा से बात कर लेते, वो सैंक्शन कर देते। तुम जाओ अभी प्लीज। ओके सर।
युवान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो कह भी नहीं पा रहा था कि उसके टेबल से क्या गया। मतलब साफ है कि उसके इरादे गलत हैं, लेकिन वजह क्या है मुझे पता करना होगा। पता करना होगा कि मुक्ता में इतनी दिलचस्पी क्यों है उसे। तो चिंता मत कीजिए, देख लीजिएगा जल्द से जल्द सच सामने आ जाएगा और मीठी रिहा हो जाएगी। सही कह रहे पापा, सच तो सामने आकर ही रहेगा। हमने भी तो अतीत में कितनी गलतियां की, कितने झूठ बोले। झूठ को सच साबित करने के लिए एक पर एक दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, लेकिन हम हमेशा हार गए और सच सामने आ ही जाता था। मुक्ता, कहाँ चली गई थी आप? क्यों चली गई थी इतने दिनों के लिए? I'm sorry. आपकी बहुत याद आती थी माँ, पर देखिए ना आप चली गई और यहाँ क्या हो गया? I'm sorry मुक्ता, मम्मी जी बेकसूर है। हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं मीठी जल्द से जल्द बेगुनाह साबित हो जाएगी और हम सबके साथ होगी। बेटे, बच्चा, सब बातें हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए, आइए बाहर चलते। डोंट वरी, नाउ स्टॉप क्राइंग, माँ आ गई है, हम पर छोड़ दो। मिस्टर आकाश, ये सारी चीजें तो आप पहले भी देख चुके हैं, फिर बार बार क्यों देखना चाहते? घड़ी का घड़ी, वो गोल्डन घड़ी जो आपने हमें कल दिखाई थी और जिसे हमने नोट भी किया। ये देखिए, देखिए अगर गोल्डन कलर की कोई घड़ी होती तो यहां पे आपको दिखाई देती, और वैसे भी ये क्रिमिनल केस है, हम पुलिस वालों को सबूत छुपाने की आदत नहीं होती। हमारे पास भी एक लिस्ट है, ये देखिए। क्या इसमें घड़ी का कोई जिक्र है? नहीं ना। झूठ! सबके सब मिले हुए हो, कल तक जो यहां घड़ी थी आज अचानक से गायब हो गई। हाँ, सारे कागजात बदल दिए तुम लोगों ने, छोड़ दिया। नहीं मिश्राए, छोड़िए, ले जाओ यहां से। ज्यादा दिमाग खराब किया ना, सिर्फ दो मिनट लगेगा हाथ में डालने में। आप मिस्टर आकाश, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे हमारा केस और बिगड़ जाए। चलिए, एक ही सबूत था मेरी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। चलिए, देख लूंगा तुम सबको। चलिए, शाबाश, ये बहुत अच्छा किया तुमने। अगर ये घड़ी आकाश के हाथ लग जाती न, तो केस ही पलटी खा जाता। अगले साल तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अरे लिख के ले ले, चल जाया। चौबे, छुपा दे इसे। एसीपी धर्मवीर चौबे। आप इस समय यहां? कुछ जरूरी काम था क्या? ये क्या कर रहे थे आप? पौधा लगा रहा था।
अंबिका बिटिया की याद में। तो फिर इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? घबराए हुए ना ना, परेशान नहीं। वो क्या है ना कि अंबिका बिटिया की याद आ रही, वो अंबिका बिटिया का जन्मदिन है ना, और उसको फूल बहुत पसंद होते, इसलिए पौधा लगा रहे थे अंबिका बिटिया की याद में। अब क्या है राठौड़ जी की अपना गम कोई देखे अच्छा नहीं लगता है ना? तो इसीलिए छुपा रहे हैं। छुपा रहे थे गम? आप ही ने तो कहा या कुछ और? नहीं, गम गम याद आ रही थी बिटिया की। खैर, मैं उस दिन आया था ये बात करने के लिए, पर संक्रांत और आप बहुत इमोशनल थे, बात नहीं हो पाई। मैं पूछना चाहता था अंतिम संस्कार के बारे में क्या करना चाहते हैं आप? जब तक हमारी बिटिया के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं हो जाती, कहां का अंतिम संस्कार? राठौड़ जी, वो आपकी बेटी थी, लेकिन हमने भी उसको अपने की तरह पाला। जब तक सजा नहीं मिलती है उसके हत्यारों को, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चलता दुनिया में भी बेवकूफों की कमी नहीं है। अंबिका कोई सीधी लड़की नहीं थी, बहुत ही चालाक थी, दिल की बुरी थी, उसकी नजर आकाश पर थी। पापा फिर भी उसका साथ दे रहे? आपको गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है माँ। पापा सारी जिंदगी मीठी को बेटी जैसी कहते रहे। जो लड़की पापा की जिंदगी में चार दिन पहले आई, आज पापा ने उनका साथ दिया। पापा किसी का साथ नहीं दे रहे मुक्ता, ना वो अंबिका की साइड ले रहे, ना वो मीठी के खिलाफ बात कर रहे। वो तो वही बता रहा है पुलिस को जो उन्होंने देखा है। विश्वास नहीं हो रहा है माँ, आप भी उन्हीं की वकालत कर रही है। उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है, कभी सच्चाई सामने आने ही नहीं दी। आपको गुस्सा नहीं आता है? पापा ने हम सबसे ये सच्चाई छिपाई है इतने सालों तक कि उनके पहले भी एक शादी हो चुकी, उनकी बेटी है, सब कुछ हमसे छिपाई है। आपके पापा कभी झूठ नहीं बोलते मुक्ता। हमारी शादी के वक्त ही उन्होंने हमें बता दिया था कि उनकी एक शादी पहले हो चुकी है, तो उनकी एक पत्नी थी जो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी थी। और मुक्ता, ये बात तो आपके पापा को भी नहीं पता कि उनकी पहली पत्नी ने मरने से पहले एक बेटी को जन्म दिया। ये बात आपके पापा को अब पता चली, तो इसमें आपके पापा की कहाँ गलती है? हाँ, ये सब पापा हमें बता चुके हैं, पर आपको कभी ये नहीं लगता कि he has cheated on you? Your father can never cheat me, Mukta. आपके पापा हमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। आप तो बहुत छोटी थी, एक अजीब सी दूरियां होने के बावजूद भी आपके पापा हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आपकी बात सच है मुक्ता, आपके पापा का एक अतीत है, वैसे हमारा भी था, लेकिन मुक्ता, आपके पापा ने हमें तब संभाला जब हम बिल्कुल अकेले थे,
हमारा कोई अपना हमारे साथ नहीं था। कदम डगमगा रहे थे, अकेले थे, तकलीफ में थे, लेकिन कभी उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। बिना कुछ सोचे समझे हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। आपके पापा ने हमेशा यही कोशिश की कि हमारा या उनका अतीत हमारे वर्तमान को खराब ना करे। जब आप तेज सिंह के साथ शादी करने जा रही थी, बिना सोचे समझे हमने बस आपको बचाने के लिए ये फैसला लिया कि हम तेज सिंह के साथ शादी करेंगे। तभी भी आपके पापा ने हमसे कोई सवाल नहीं किया, ना कुछ पूछना जरूरी समझा, बस वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारी ताकत बनकर, हिम्मत बनकर, हमेशा। और आज आप बहुत छोटी हैं ये सब समझने के लिए। अब मुक्ता, योर फादर रियली लव्स यू। अब उनके प्यार को समझ नहीं पा रही। बस हम दोनों इस वक्त एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के व्यूज, नजरिया बहुत अलग अलग है। बेहतर यही होगा माँ कि हम इस डिस्कशन को यही बंद कर दें, क्योंकि ना हम कभी आपको समझ पाएंगे, ना ही आप कभी हमें समझ पाएंगे। मुक्ता, कहाँ जा रही हैं? मैया के पास, आकाश की मैया से मिलने। आकाश की मैया? क्यों? क्योंकि इस वक्त सिर्फ वो ही हमें समझ सकती है। हैरानी हो रही है ना? हम भी बहुत हैरान हैं। ये सोचकर कि मीठी को बचाने के लिए एक गलत इंसान सही राह पर चलने लगे और एक सही इंसान गलत राह पर। मुद्दा, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। साफ हो चुकी है, खड़ी गायब हुई। इसका मतलब ये किसी को पता है कि सच क्या है, और कोई नहीं चाहता कि मैं सच तक पहुंचूं। जिंदा है अंबिका, वही सब कुछ करवा रही है, लेकिन पता लगे कैसे कि वो है कहां? ने भी कहा था कि हमें गानों से धक्का दिया, वो गिरी। जब तक मीठी दोबारा उठकर खड़ी हुई, तब तक अंबिका को आग लग चुकी थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है चंद मिनटों में हुआ है। जितनी देर मीठी को उठकर खड़े होने में लगी होगी, उतनी ही देर में अंबिका की जगह किसी और को रखा गया होगा, और फिर ये बात कैसे पता चलेगी कि वहां अंबिका की जगह कोई और आया कैसे? हेलो, अंबिका, जी हाँ जेठ जी, अंबिका। कैसे हैं आप जेठ जी? और जेठानी जी कैसी हैं?